हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वंदना स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वंदना रियल ब्लॉग में। और आज हम बनाएंगे एग बिरयानी, वो भी कुकर में। जब भी आप लोगों का बिरयानी खाने का मन हो तो 10 मिनट में बनाइए। और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम थोड़ा सा सैलेड रख देते हैं और ये बिरयानी की प्लेट आप सबके लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एग बिरयानी। तो हमें उसके लिए चाहिए 2 मीडियम साइज की प्याज, जिन्हें हमें इनकी ये लेयर निकाल लेनी है। ऐसी ये देख रहे हैं ना आप, ये लेयर हमें निकाल लेनी है। और 3-4 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा तीखा कम खाते हैं इसलिए हमने 3 ली हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियों का पेस्ट बना लिया है, ये देखिए आप लोग। और हमने लिए हैं यहाँ पर 6 एग। और तड़के के लिए लिया हमने 1 चम्मच जीरा, 3-4 लौंग, थोड़ा सा स्याही जीरा 1 चम्मच, 5-6 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और 2 तेजपत्ता। ये हमें तड़के के लिए चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम पहले एक बाउल में ले लेंगे एग को, उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, इतना देखिए आप लोग। और आप लोग चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है कि हम लोग थोड़ा कम खाते हैं। और ऐसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है एग को फ्राई करने के लिए, तो हम इसमें डालेंगे तेल जिसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर वही तेल हम लोग बिरयानी में यूज कर लेंगे। और जो एग है ना, उनमें हम लोग 4 चम्मच से ऐसे थोड़ा इनमें ये ऐसे टच कर देंगे ताकि इनमें मसाला अच्छे से सेट हो जाए। आप लोग देखिए, और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम डाल देंगे इसमें एग फ्राई होने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमें इन्हें थोड़ा सुनहरा होने तक फ्राई करना है। और एग हमारे फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अंडा फ्राई हो चुके हैं, अब हम रख देंगे कुकर। और जो ये तेल बचा है ना हमारा, यही तेल यूज कर लेंगे हम लोग। 2 बड़े चम्मच होगा ये। हम बना रहे हैं 2 गिलास चावल से एग बिरयानी कुकर में, वो भी 10 मिनट में। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो गया है और मैं इसमें एक चीज बताना भूल गई थी, जो है सौंफ। सौंफ से अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। अब हम सारी चीजों को डाल देंगे, थोड़ा हिला देंगे। और अब डाल देंगे मिर्च। ये मिर्च मैंने बड़ी बड़ी इसलिए काटी है ताकि हम लोग बाद में निकाल सकें। और अब डाल देंगे प्याज और मिक्स करेंगे थोड़ा। आप यकीन मानिए, ये एग बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। एक बार रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए, प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी पक चुकी है, तो हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ताकि ये भी थोड़ा सा भुन जाए। और प्याज हमारी देखिए पक चुकी है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी। अब हम डाल देंगे इसमें डेली के मसाले। 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा मिक्स करेंगे। और हमने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, जो हम डेली की सब्जी में यूज करते हैं, और 1 चम्मच बिरयानी मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है डालना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है उभर कर। अब हम डाल देंगे चावल। और फ्रेंड्स, हमने डाल दिए हैं 2 गिलास चावल अच्छे से वॉश करके। ये देखिए आप लोग, मिक्स कर देंगे। हम यहाँ भरकर 2 चम्मच नमक डालेंगे। ये देखिए आप लोग, मिक्स करेंगे नमक को। और देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इनका पानी अच्छे से सूख गया है। अब हम डालेंगे इसमें और पानी, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये देखिए आप लोग। अब हम 2 गिलास में डालेंगे 4.5 गिलास पानी। हम लोग थोड़ी चावल गीले खाना पसंद करते हैं तो 5 गिलास भी डाल सकते हैं। 4 गिलास हो गया है, 1 गिलास और भी डाल देंगे हम। आप लोग जितने डालते हो, मतलब 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी, तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या थोड़ा ज़्यादा। और हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी, ये शुद्ध घी है। सबसे लास्ट में डालना है हमें इसमें एग,
और इसमें तीन सीटियां लगाएंगे हम लोग, दो हाई फ्लेम पे और एक मीडियम फ्लेम पर। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और पकने देते हैं। तो देखिए तीन सीटी हो चुकी हैं और ये ठंडी भी हो चुकी हैं सीटियां, तो अब हम कुकर को खोल लेंगे। ये देखिए आप, ये बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितने अच्छे चावल पके हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई है हमारी एग बिरयानी। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।